हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आप एक्स फैंटेसी गुरुजी में। दोस्तों अभी मैं बात करने वाला हूं बायजूस केसीए प्रेसिडेंट टी20 कप का जो 19वां मैच खेला जाने वाला है, केसीए रॉयल्स वर्सेस केसीए पैंथर के बीच। इस मैच के बारे में बात करेंगे, इस मैच के पूरे स्टैट्स के बारे में जानेंगे ताकि हम सबको टीम लाने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी के साथ स्मॉल लीग ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग जीत सकें। लेकिन उससे पहले अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो भूलिएगा मत, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, दोनों टीमों के स्टैट्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये मैच केसीए रॉयल्स वर्सेस केसीए पैंथर के बीच खेला जाने वाला है। मैच नंबर 19 है और ये सुबह 9 बजे के टाइम पे खेला जाएगा। बैटिंग एवरेज की बात करें इस ग्राउंड पे तो ओवरऑल 143 का एवरेज रहता है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी 144 का एवरेज रहता है, यानी कि मांग चलिए कि 140 से 160 के बीच में रन बनेंगे। चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में ये मैच खेला जाएगा, जो आपके लिए हो सकता है कि 140 से 150 के बीच रन बनते हुए देख सकें और विकेट भी गिरेगा यहाँ पे कम से कम 12 से 18 विकेट के दरमियान दोनों टीमों के मिलाकर के। ये पिच बैटिंग फ्रेंडली है, हार्डली बॉलर को मदद मिलने वाली है। दोनों टीमों की बात करें, दोनों टीमें जब आपस में खेलती हैं तो क्या रिजल्ट आता है। दोनों टीमें जब आपस में खेलती हैं, अभी तक 4 मैचेस खेले दोनों टीमों आपस में, केसीए रॉयल्स ने जिसमें 3 मैचेस विन किए हैं और पैंथर्स ने सिर्फ 1। यानी जब जब आपस में ये दोनों टीमें खेलती हैं तो रॉयल्स का 75% चांस रहता है इस मैच को जीतने का। तो आज फिर से दोनों टीमें आपस में खेलेंगी तो मुझे लगता है केसीए रॉयल्स, जो रिकॉर्ड बता रहा है केसीए रॉयल्स के, ज़्यादा चांस है इस मैच को जीतने का, यानी 70% चांस है इस मैच को जीतने का। लेकिन इस सीज़न में कुछ खास नहीं कर पाई अभी तक केसीए रॉयल्स, क्योंकि 5 मैचेस में लास्ट के जो 5 मैचेस खेले हैं जिसमें से 4 लॉस किए हैं, यानी एक ही मैच विन की है केसीए रॉयल्स की टीम। लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में रॉयल्स की टीम इस मैच को विन करने वाली है, क्योंकि इस टीम के खिलाफ अच्छा खेलती है रॉयल्स के। अब खिलाड़ियों की बात करें यहाँ पे, कौन से खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं। आमिर शाह की बात करें यहाँ पे, अभी तक 6 मैचेस खेले हैं, 31-18, 3-27, 24-9, इस तरह की पारी इन्होंने खेली है, लेकिन अभी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। तो मैं अपनी टीम में इनको नहीं लेकर जाने वाला, आप चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में लेकर जा सकते हैं। संजय राज अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निकली अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं इनको भी अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूँ, क्योंकि कि इनके अलावा मैं ऐसे खिलाड़ी को लूँगा जो ऑलराउंडर हैं, जो मुझे 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी देंगे। मैं आपको बताऊँगा किस किस खिलाड़ी को आप ले सकते हैं इस मॉल की टीम में। अल्विन इंडियाज इनको तो लेना तय है, क्योंकि ये बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं और वक्त आने पर ये आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे, तो इनको अपनी टीम में रखना है। सुरेश सचिन की बात करें, ये विकेट कीपर हैं, कुछ खास नहीं कर पाए हैं अभी तक, सिर्फ एक पारी में 39 रनों की पारी खेली थी, बाकी में 3-3-6 यानी डबल डिजिट भी नहीं पहुँच सके हैं, तो इनको भी अपनी टीम मत लीजिएगा। अखिल एमएस की बात करें, बैटिंग आने पर बैटिंग से पॉइंट देंगे और उसके बाद पूरे के पूरे 4 ओवर डालने वाले हैं, तो आपके लिए एडवांटेज हैं, आप इनको अपनी टीम में लेकर ज़रूर चलिएगा। वहीं अगर बात करें युगमनु कृष्णन की, बैटिंग आएगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी हिटिंग की तो इनको भेज दिया जाएगा, लेकिन ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग नहीं, यानी बैटिंग आने पर बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, पूरे के पूरे 4 ओवर डालने वाले हैं। सलमान निजात की बात करें, ये भी हिटिंग करते हैं, जब जब इनको हिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी इनको भी भेज दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी तक एक पारी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त खेली है, अपने दम पर इस मैच को विन किया है, 72 रनों की पारी खेली थी। पल्लम अनफल की बात करें, जब जब बैटिंग आती है तो ये भी पॉइंट देते हैं, लेकिन ये भी समय आने पर 1 से 2 ओवर बॉलिंग करके दे सकते हैं, कंफर्म नहीं है कि बॉलिंग करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो इनको बॉलिंग दिया जा सकता है, तो इनको भी एज ए ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं। वहीं अगर केसीए रॉयल्स के बॉलर्स की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो गोकुल गोपीनाथ इनको भूलिएगा मत, हाफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं आप देख सकते हैं कि 2 मैच में सिर्फ इनको विकेट नहीं मिला, बाकी के मैचेस में विकेट इनको मिला है, यानी कि पूरे के पूरे 4 ओवर डालते ही डालते हैं
तो आप इनको अपनी टीम में ज़रूर रख सकते हैं। हो सकता है कि आपके अपोनेंट में कोई लेकर न आए, तो अपनी टीम में इनको रख सकते हैं, खास तौर पे 3 से 4 मेंबर की लीग में। यू मनी कृष्णन की बात करें, ये पूरे के पूरे 4 ओवर डालने वाले हैं और बैटिंग से भी आपको पॉइंट देंगे। कभी भी इनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया जा सकता है, 4 नंबर 5 नंबर कभी भी किया जा सकता है। और उसके साथ साथ एडवांटेज हम सब के लिए कि पूरे के पूरे 4 ओवर बॉलिंग भी करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि 2 मैच में से भी इनको विकेट नहीं मिला, बाकी मैचेस में इनको विकेट मिला है। इब्नुल आफ्ताब की बात करें, जब जब खेलते हैं पूरे के पूरे 4 ओवर नहीं डालते हैं, लेकिन 3 से 2 ओवर डालते हैं। आप इनको ऐसे ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग की टीम में मैं प्रेफर नहीं करूँगा। अनुराग जेएस की बात करें, जब भी खेलते हैं 3-3 ओवर ये भी डालते हैं, पूरा का पूरा 4 ओवर इनसे नहीं डलवाया जाता है, लेकिन अभी तक पहले मैचेस में इनको एक भी विकेट नहीं मिला था, बाकी लास्ट में जो 2 मैचेस खेले हैं उसमें 3 विकेट इनको मिला है। अखिल एमएस की बात करें, मैंने बताया कि ये बैटिंग से भी पॉइंट देंगे और बॉलिंग से तो पॉइंट देते ही हैं, पूरे के पूरे 4 ओवर डालते ही हैं। वहीं अगर अमल रमेश की बात करें, पूरा मैच इनको नहीं खेला जाता है, पूरा 4 ओवर इनको मुश्किल अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तब इनको 4 ओवर दिया जाता है, वरना 2 से 3 ओवर ही दिया जाता है। मोहित सिब्बू, ये भी बैटिंग अगर आती है तो ये भी आपको बैटिंग से पॉइंट दे सकते हैं, बाकी 2 से 3 ओवर इनको भी मिलता है और लेकिन जब भी इनको मौका मिला है ये विकेट आपको देकर गए हैं। वहीं अगर बात करें आपके केसी पैंथर्स के बारे में, तो लास्ट 5 मैच में 3 मैचेस विन किए हैं, 2 मैचेस इसने लॉस किया था, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन जब इस टीम के खिलाफ खेलती है, पैंथर रॉयल्स की टीम के खिलाफ खेलती है, तब कुछ खास नहीं कर पाती है। इस मैच में भी रॉयल्स की टीम इस मैच को जीत सकती है। वहीं इनके बैट्समैन की बात करें, किसका कैसा रिकॉर्ड है, वत्सल गोविंद की यहाँ पर बात करें, लास्ट के 2 मैचेस में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। विष्णुराज पहले मैच में 21 रन और दूसरे मैच में 5 रनों की पारी खेली थी। अर्जुन अजी की बात करें, पहले मैच में कई, दूसरे मैच में इनको खिला ही नहीं गया था। श्रीनाथ की बात करें, अच्छे बैट्समैन हैं, जब भी मौका मिलेगा आपको रन बनाकर देंगे। जोफिन जोश की बात करें, पहले में 27, ये लास्ट 2 मैचेस जो खेली है उसके अधिकार हैं दोस्तों, और दूसरे मैच में लास्ट वाले मैचेस में 0 पे आउट हो गए थे। रोहित गणेश की बात करें, ये बहुत ही हीटर हैं, अगर हीटिंग करने के लिए आते हैं 10 से 15 बॉल भी खेल जाएंगे तो आपको 30 से 32 35 रन बनाकर आपको देकर जा सकते हैं। इनको आप ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग की टीम में नहीं। अक्षय चंद्रन को भी आप ले सकते हैं, बैटिंग से भी पॉइंट देंगे और समय आने पर बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे। केसी पैंथर्स की बात करें, यहाँ पे अखिल सकारिया पूरे के पूरे 4 ओवर डालने वाले हैं, आप इनको अपनी टीम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, इनको 4 मेंबर की लीग में आपको विन करवा के दे सकते हैं। बासिर एनपी पहला ओवर बॉलिंग करते हैं, ये विकेट टेकर हैं, जब भी आते हैं विकेट लेकर जा सकते हैं, इनको अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। मोहम्मद फैसल 2 से 3 ओवर डालने वाले हैं, विकेट उतना नहीं मिलता लेकिन आप इनको एज द ग्रैंड लीग में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अक्षय चंद्रन की बात करें, 3-3 ओवर बॉलिंग की है लास्ट के 2 मैचेस में, जिसमें सिर्फ इनको 1 विकेट मिला है। जोफिन जोश की बात करें, यहाँ पे वहीं अगर जोफिन जोश की बात करें, आप इनको आपके अपोनेंट में इनको कैप्टन बनाने वाले हैं लोग, क्योंकि लास्ट के 2 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं। लास्ट वाले मैच में 2 ओवर में 1 विकेट नहीं मिला था इनको, लेकिन उससे पहले वाले मैच में 5 लेकर गए थे, यानी 5 विकेट लेकर गए थे। तो ऐसे कैप्टन लोग ट्राई करने वाले हैं, आप भी स्मॉल लीग टीम में ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। अभी बीजू की बात करें, यहाँ पे लास्ट वाला मैच भी खेले थे, 1 भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले वाले मैच में 3 ओवर में 3 विकेट उन्होंने लिया था। तो आप इनको भी ऐसे ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग की टीम में मैं प्रेफर नहीं करूँगा दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों, मैं अपनी टीम आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने विष्णुराज को लिया विकेट कीपर में, आलबिन इलियास और वत्सल गोविंद को मैंने लिया है, सलमान निज़ार को लिया है, अक्षय चंद्रन सकारिया जोश अखिल एमएस को मैंने लिया है, जोफिन जोश को मैंने कैप्टन बनाया और वाइस कैप्टन अखिल सकारिया को बनाया है। बहुत सारे लोग अक्षय चंद्रन को बनाने वाले हैं और अखिल एमएस को, लेकिन मैं अलग गया हूँ, अखिल सकारिया कोई भी एज वाइस कैप्टन लेकर नहीं आने वाला है दोस्तों। गोकुल गोपीनाथ को मैंने लिया है, हो सकता है कोई मेरे अपोनेंट में कोई लेकर ना आए, बासिल को मैंने लिया है और मनु कृष्णन। आप मैं आपको बता दूं, 4 मेंबर अगर आप खेलना है तो आप यू मनु कृष्णन को ऐसे कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, आपको जितवा सकते हैं, क्योंकि पूरे 4 ओवर डालने वाले हैं और बैटिंग ऑर्डर में कभी भी इनको प्रमोट किया जा सकता है दोस्तों। तो अभी तक ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।